नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आपके नवरात्रि के व्रत और आपके नवरात्रि के व्रत सफल हों और शुभ हों। तो दोस्तों, आज नवरात्रि हैं, शुरुआत हुई है और मैं बनाने जा रहा हूँ ये कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से आज के लिए भोग, जिससे मैं बनाऊँगा ये कुट्टू और सिंघाड़े के आटे को मिला के इनकी कचौड़ियाँ। इसके अंदर में मैंने ये एक कटोरी कुट्टू का आटा ले लिए, एक कटोरी सिंघाड़े का आटा ले लिए, दोनों बराबर बराबर ले लिए। आप अलग अलग भी बना सकते हैं कि आप चाहे कुट्टू का बनाइए चाहे सिंघाड़े का भी बनाइए, पर मैं आज मिला के बना रहा हूँ। और इसके अंदर में मैं मिलाऊँगा ये उबले आलू। मैं ये 5 आलू ले लिए हैं और ये मैं 3 लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो इन आलुओं को मैं कद्दूकस कर लूँगा और कद्दूकस करके मैं मिलता हूँ आपसे। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा आलू झटपटी कद्दूकस हो गए हैं और अब मैं इसमें मिलाऊंगा ये एक कटोरी सिंघाड़े का आटा और एक कटोरी कुट्टू का आटा। और दोस्तों, बस इसके अंदर में खासियत यही है कि जब हम आप इसको मिला रहे हैं तो इसमें पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा सेंधा नमक, बाकी अपने आप ही मिल जाएगा। और मैं डालूँगा थोड़ी सी हींग। बस इनको अब आपस में मसलते हुए मिलाना है। बस दोस्तों, इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको अच्छे से गूंद लेना है, इसका जैसे आटा गूंदते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इसमें पानी नहीं मिलाना है। और दूसरा दोस्तों, इसको उसी समय आप गूंदिए जिस समय आप भोग लगाने के लिए तैयार हैं और खाना खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसका आटा गूंद के रखने से सही नहीं रहता है और जो पूड़ियाँ बनती हैं इसके बाद में वो भी फिर फटी फटी बनना शुरू हो जाती हैं या एकदम स्वाद और रंग में अच्छी नहीं बनती हैं। तो बस ये इस आटे की प्रकृति है कि बस ये आलू के साथ में ही अच्छे से मिलते हुए गूंद जाएगा और पानी ज़रा सा भी नहीं डालना पड़ेगा। बस इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक, फलाहारी नमक भी बोलते हैं जिसको, और मैंने इसमें हल्की सी हींग डाली है। पाचन के लिए सही है, थोड़ा हैवी हो जाए तो उसके लिए भी सही है। तो बस दोस्तों, इसको बस झटपट मैं गूंद के मिलता हूँ आपसे। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरा कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का डो बन गया है और इसमें मैंने एक भी बूंद पानी नहीं लगाया है। बस थोड़ा सा सब्र, कभी कभी लगता है कि मिला दें झटपट, पर ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस अब इसके ऊपर में थोड़ा सा रिफाइंड हाथ पे लीजिए और इसको एक बार अच्छे से मल लीजिए। और बस इसके बाद में इसके पेड़े काट लेने, थोड़ा सा चिकनाई आ जाएगी, थोड़ा मोइन का काम भी करेगा ये तेल और ये कढ़ाई भी साफ कर देगा। आप भी अपने परिवार के हिसाब से कितने लोग हैं उनके हिसाब से आप उनका उनके लिए ये आटा लगाइए कुट्टू और सिंघाड़े का। जैसे मैं सिर्फ 3 लोगों के लिए बना रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि हमारा 10 या 12 पूड़ी में काम हो जाएगा। तो इसमें मेरी 12 पूड़ी आराम से निकलेगी। बस इसको मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दूंगा। और उधर मैंने कढ़ाई गरम रख दी है, तेल लगा के कढ़ाई भी गरम हो रही है। और इसके बाद झटपट इसके पेड़े काट के मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे, यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, इसको आटे को भी रेस्ट हो गया, अब मैं इसके पेड़े काट लूँगा फटाफट और बनाता जाऊंगा, खिलाता जाऊंगा। ये देखिए, और एक सैंपल तेल चेक करने के लिए छोटा सा। तो बस इनको हल्का सा प्रेस कर लेना है तो ये आपके पेड़े तैयार। बस अब मैं झटपट आपको मिलता हूँ कढ़ाई पे। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिया है और कढ़ाई को मैंने फुल पे कर दिया है। तो बस इसमें मैं एक सैंपल डाल के देख रहा हूँ, ये देखिए ये झटपट ऊपर आ जाएगा, यानी कि तेल गरम। ये देखिए
तो बस थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा के बस ये पूड़ियाँ तलते चले जाना है। ये कुट्टू के आटे और सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ, हाथ पे थोड़ा सा तेल और ये गई मेरी पूड़ी तेल में। बस डलते ही इसको नहीं छेड़ना है, ये अपने आप ऊपर आएगी दोस्तों, तब इसको पलटना है, इससे पहले नहीं पलटना है। तो ये थी मेरी आज की टिप, ये देखिए फटाफट ऊपर आ जाएगी, ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गई। बस हल्का सा दबाते हुए इसको बस पलट लेना है, बाकी काम इसके बीच में जो मॉइस्चर है वो पूरा करेगा इसको पूरा फुलाने के लिए। और यकीन मानिए आलू मिला होने की वजह से ये बहुत ही स्वाद बनती हैं। झटपट हो गई, बस मैं मिलता हूँ आपसे फटाफट बाकी पूरियाँ तल के भी। देखिए दोस्तों हाथ पे तेल लगा के बस पेड़े को ऐसे बस शफल करना है ध्यान से, और ये गई पूरी तेल में। बस इसको अपने आप ऊपर आने देना है, ये देखिए आ गई, बस हल्का सा निथारिए और ये देखिए झटपट फूल जाती हैं पूरियाँ। बस पेड़े को ऐसे लेना हाथ पे और बस पाम के बीच में इसको प्रेस करते हुए बस देखिए इसको फैलाते चले जाना है, और जितना पतला करना है उतना पतला करते हुए इसको बस तेल में डाल देना है। कहीं से मोटी पतली हो बस वो थोड़ा सा हाथ से दबा दीजिए, और ये गई मेरी पूड़ी सीधा तेल में। बस अपने आप ऊपर आने दीजिए इसको, झटपट फूल जाती है दोस्तों, ये देखिए कैसे फूली फूली बन रही हैं। बस एक बार उलट पलट और चेक एंड आउट, ये देखिए बस इसको बेलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कोई प्लेथन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बस इसी तरह बाकी पूड़ियाँ भी तलता हूँ, और तलते हुए तलने के बाद में आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों ये मेरी पूड़ियाँ फटाफट बन गई हैं झटपट, और इनको बस अब भोग लगाना है। और भोग की थाली क्या लगेगी आज उसके पूरा का पूरा वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज नवरात्रे के लिए बनाई गई कुट्टू और सिंघाड़े के आटे को मिला के गई बनाई गई पूड़ी। नमक हींग और थोड़ा सा तेल मिलाया है मोइन के लिए, दैट्स ऑल। इसमें एक बूंद पानी नहीं मिलाया है, और ये झटपट बना दिए मैंने। बस आप भी बनाइए और बताइए कैसी बनी, और मेरे को कमेंट्स में भी लिखिएगा कि आपको आपके यहाँ बनती है तो आप कैसे बनाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, शेफ़ राजेश आपसे अब मिलेगा कल नए रेसिपी के साथ में। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन एंड बेल आइकॉन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रोज़ मिलती रहे। तो लीजिए दोस्तों आज नवरात्रे के पहले दिन जो मैंने अपने लिए खाना बनाया है वो है, ये मैंने
थोड़ा सा ये सौंफिया कद्दू बनाया है हरे कद्दू से सरसों के तेल में, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। और इसके साथ में मैंने बनाई है ये साबूदाना का खीर, जिसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ये देखिए भरपूर खीर और साथ में कुट्टू और सिंघाड़े की पूड़ियाँ बनाई है, जिसके अंदर में कोई पानी नहीं है। और हाँ, आलू है, नमक है और हींग है, और साथ में ये थोड़ा सा सलाद। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की पहले नवरात्रि की व्रत की थाली, जिसमें मैं साबूदाने की खीर, हरा सौंफिया कद्दू, सीताफल, साथ में थोड़ा सा ग्रीन सलाद और ये कुट्टू और सिंघाड़े की मिला के, आलू मिला के पूड़ियाँ, जो जिसका वीडियो भी मैं जल्दी ही रिलीज़ कर दूंगा। तो बस ये है आज का मेरा पहला उद्यापन नवरात्र के लिए। तो बस ये थाली जा रही है भोग के लिए, और उसके बाद में यही हमारा प्रसाद बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ मैं कल नई रेसिपी, नई ट्रिक, नई टिप के साथ में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों से उसको प्लीज़ शेयर कीजिए, और ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन ऑल्सो, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो मिलता हूँ कल नई रेसिपी के साथ में।